नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम महाजन, शांति देवी आर्या महिला कॉलेज दीनानगर। इस वैश्विक आपदा के समय जो कोरोना वायरस नामक महामारी के रूप में विस्फोटक स्थिति में आ खड़ी हुई है, इस संबंध में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी एक छोटी सी अपील है कि संयम रखें, भय और नकारात्मकता का परित्याग करें, क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। विशेष रूप से मेरी छात्राओं से ये एक विनम्र विनती है कि स्वयं भी सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी समझाइए, क्योंकि वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हाथों को बार बार धोइए, चेहरे को ना छुएं, छींकने की अवस्था में कोहनी में छींकिए, बीमार व्यक्ति घर से बिल्कुल भी बाहर ना जाए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी कम से कम 1 मीटर की अवश्य रखें। पढ़े लिखे नागरिक होने का दायित्व निभाइए, ये समय चिंतन करने का है, मनन करने का है। आपके पास वक्त है, दार्शनिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, ये आपका मनोबल बढ़ाएंगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताइए, ये अवसाद से निकलने में सहायक सिद्ध होगा। सब जानते हैं कि WHO ने कहा है कि कोरोना का भविष्य भारत में निर्भर करता है। हमें इस विश्वास पर खरे उतरना है। कोरोना की जंग हमें जीत के रहनी है। इतिहास साक्षी है कि हम स्वयं हर बार विजयी ही हुए हैं। 21 दिन का जो लॉकडाउन पीरियड हमें सरकार की तरफ से दिया गया है, हमें इसे हर हाल में सफल बनाना है और कोरोना को इसी पीरियड में हराना है। जयशंकर प्रसाद की कमाईनी की पंक्तियां मुझे आशावान बनाती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक जीना पर्दा सा ये जिसमें छिपाए है सुख घात। घबराए नहीं, सब जानते हैं कि घने अंधेरों में ही सुख का सूर्य निकलता है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, घर पर रहें। हम स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ तो राष्ट्र स्वस्थ, जब राष्ट्र स्वस्थ तो समस्त विश्व समस्त। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद।